किसान भाइयों, स्वराज 855 FE कंप्यूटर मांझे पे चल रहा है। देखिए क्या शानदार काम कर रहा है। मेरे काम एक और लगा, ये ट्रैक्टर तो हमारे गांव का ही है, मुझे मोदीपुरम में मिला, किशनपाल सैनी का है। इस खेत में इन्होंने कंप्यूटर मांझा लगाया। चाल बहुत बढ़िया है भाइयों, बाइक कही देन तो किसान वो ट्रैक्टर बढ़िया वो बढ़िया। देखो जी 855 से बढ़िया तो मैं मानता नहीं, पंजाब का शेर है। कुछ मेरे भाई मेरी बात का गिल्ला मान जाएंगे, भाई गिल्ला मानने की बात नहीं है। जिसने ये ट्रैक्टर ले लिया इसने धोखा नहीं दिया, सच्चाई है। किसान का गुजारा ऐसा कर दिया इसने, पैसे की तकजत ख़त्म, बच्चों की ना फीस की समस्या रही ना कुछ रही। ये हमारे गांव में एक ही ट्रैक्टर 855, पहले हमने 44 रखा था, हमारे बाद में ये आया। नू तो 35 भी है, पुराने 44 भी हैं, लेकिन नवी चीज़ भाइयों नवी हो, इससे बढ़िया मैं तो मानता नहीं। ये यहाँ आकाश के खेत में फार्म पे कंप्यूटर मांझा लगा रहा है, और आकाश हमारे मित्र का बेटा है, आकाश के पापा अब नहीं रहे, लेकिन वो सतीश चौधरी मेरे बहुत पुराने दोस्त थे उनका। ये यहाँ 55 बीघे फार्म, और देखिए इधर माउंट लिटेरा स्कूल है। जब कभी ये माउंट लिटेरा स्कूल बना था, इसका समझौता मैंने कराया था, इस साइड में रास्ता दिलवाया था, ये रास्ता माउंट लिटेरा जो स्कूल है चौधरी गुलबीर सिंह का, इनके पास रास्ता नहीं था, उस साइड से आ रहे थे, तो इन्होंने मेरे से बात की, मैंने सतीश से बात करके और ये रास्ता दिलवाया था बिना कमीशन के। लोग तो लाखों रुपए ले लेते, मैंने बिना कमीशन के ये सौदा कराया था। मेरी वीडियो बहुत कोई देख रहे होंगे, इस बारे की आप गुलबीर सिंह से सुनील लोटा से जानकारी कर सकते हो, क्योंकि मैं कभी पैसे के पीछे नहीं भागा। जहाँ चार आदमियों में बात आई, अपनापन आया, पैसे का मुँह नहीं देखा, ये कड़वा सत्य आपको वीडियो में बता रहा हूँ। तो भाइयों तो ये आकाश का चक है भाइयों, देखो कितना बड़ा आड़ू बुरे। इधर इन्होंने कुछ ये लेवल करवाया, इधर पेड़ खड़े हैं, और इधर आकाश ने स्विमिंग पूल बना रखा अपना, ये नहाने के लिए स्विमिंग पूल है गर्मियों में बच्चों के लिए, और ये बारात घर बना दिया अफजा काफ़ी लंबा। उधर ये शायद कई अच्छी बिल्डिंग बनाई हैं इस सड़क के परली तरफ, और उरली तरफ जो है इधर अभी ज़मीन बकाया है। बात स्वराज की चल रही थी भाइयों, ट्रैक्टर ही बहुत बढ़िया है, अब के राउंड में आएगा, मैं सोनू से बात कराऊंगा, थोड़ी जानकारी लूंगा, आपको बातें बताऊंगा कुछ खास। भाइयों ये वो ट्रैक्टर है, अगर आप इसे ले लो, आपका बजट नहीं है एक पैसे का भी, और आपके पास ना नौकरी है ना कोई बिजनेस है, आप इसे ले लो। और देखो यंत्र तो बनाने पड़ेंगे, आप इसे लेकर यंत्रों को लेकर किसी भी गांव में पहुंच जाओ और वहां जाकर किराया के लिए खड़े हो जाओ, तो आपको किसी भी काम की कमी नहीं रहने की, ग्राहक आपके पास खुद आएंगे। ये वो चीज़ है स्वराज, जिसके नाम से ग्राहक आता है। ये देखिए माउंट लिटेरा जी स्कूल, इसके पास में ही ये कंप्यूटर मांझा लगा रहा है ट्रैक्टर। अब तो प्रेस लगा रहा है, फाइनल प्रेस है।
भाइयों, कभी ये ज़मीन इनके बाबा जी शहीद हो गए थे आकाश के, उन्हें ये शहीद रामेश्वर दयाल कृषि फार्म, आकाश के बाबा जी का नाम था रामेश्वर दयाल, तो उन्हें मिली थी ये। आकाश की माँ जी अभी हैं, दादी जी जो हैं, मम्मी हैं, पापा की डेथ होगी। कभी यहाँ बड़ी मेहनत से खेती होया करती थी, बहुत कमज़ोर ज़मीन थी ये, बड़े मुश्किल से इन्होंने ये संभाल कर रखी इसके पापा ने ज़मीन, और आज वही मेहनत का फल है कि आज ज़मीन जो है ये सोने के भाव है। तो भाइयों, ज़मीन का कुछ बुरा नहीं, कहीं भी ज़मीन मिल जाए, अगर हमारे बड़े हमारे लिए कुछ ज़मीन दे गए हैं तो उसे बेगोरी या बेकारी समझ के बेचो मत, रख लो। कभी हमें नहीं, हमारी से अगली तीसरी चौथी पीढ़ी में मौका ज़रूर आएगा, जो अगली पीढ़ियाँ याद करेंगी, धन्यवाद करेंगी हमारे बड़े बुज़ुर्गों का। ऐसे यहाँ बहुत चक थे जो शहीदों को मिले थे, उनके परिवार ने भी बेच दिए, उनको यहाँ क्या होगा, मंदे ज़माने में बेच के चले गए, और वो जिन्होंने खरीदे आज भी माला माल हैं। आकाश के पापा ने ये गलती नहीं की, उन्होंने बड़ी मेहनत से, यहाँ कभी एक ट्रैक्टर था उनके पास पुराना सा, उससे ही पानी चलाया करते थे, और एक पेड़ की छाया में लेटे रहते थे, पूरी दोपहरी मेहनत करते थे। तो वो संघर्ष का दिन मैंने देखा है उनका, जिसका फल। नमस्ते भाई, लो उम्र बहुत लंबी है आकाश की, आकाश आ जावे। ये भाइयों आकाश है। नमस्ते भाई, क्या हाल, ठीक ठाक? बढ़िया जी, आप कैसे? बहुत बिल्कुल ठीक हैं। बहुत दिनों बाद आए जी। आज ही मौका लगा, मैं यहाँ गुड़िया आ रही ना हमारी, वो देवती गाड़ी थाम का भागा एकदम, का ट्रैक्टर चल रहा है, एक वीडियो बना लो, अच्छा रहा, आने देख लो, कोई बात नहीं। तो भाइयों, अब तो यहाँ कमी से आया जाता है। मैंने ये इनसे परला चक अमित चौधरी का है, वो मैंने ठेके पे रखा, 75 बीघे कई साल तक आड़ू बोए, इसमें आड़ू खेती की थी। तो हम अक्सर सतीश आकाश के पापा ही रहा करते थे, बहुत अच्छी हमारी मित्रता थी, दोपहरी में तो हम कई कई घंटे साथ गप्पे मारते थे, बड़ा अच्छा समय था वो। लेकिन फिर धीरे धीरे हम और काम में लग गए, मैं बम्बई चला गया, बीच में आता जाता रहा, उधर ही आकाश के पापा की डेथ हो गई, बस फिर तो ब्याह शादी दुख सुख में आना जाना रह गया। आज काफ़ी दिनों के बाद में मौका लगा, हमारी एक यहाँ बच्ची रिश्तेदार माउंट लिटरा में अपने सीए के पेपर दे रही है, मैं उसको लेने आया था, 5 बजे छुट्टी होगी उसकी, होने वाले हैं 5:45 बज चुके। तो मुझे ये स्वराज दिखाई दिया, मैंने सोची आपके लिए एक प्यारी सी वीडियो बना दूँ। आकाश, टाइम क्या हो गया? 5:45। और कैसा काम चल रहा? ये तुम्हारा बारात घर पूरा हो गया नहीं अभी? हाँ जी, अब तो कंप्लीट हो गया। ये बाल जमवाएगा ऊपर? हाँ जी। कितने पैसे लग गए इसमें? इसमें लग गए जी 80,000। 80,000 रुपये कर दिए निश्चय, बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो ये कहाँ से, अलग से लिए या ऐसा साइड के सीधे करके लगा दिए? साइड में से निकाल ली जड़। काश आकाश किसान होता तो ये बाल नहीं लगवा सकता था, या नहीं? भाइयों देखिए, आकाश ने नए बाल लगवा लिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत खुशी की बात है। अब हमारी उम्र नहीं रही, वरना मैं भी करता, क्योंकि अब हमें जरूरत ना करवाने की मेहनत की। तो ये यहीं हो गए थे मेरठ में ही? ये हाँ जी, अब तक कई जगह है इनके सेंटर मेरठ में भी। तो दुख नहीं लगता जैसा ये स्किन सुन करते हैं बस, कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं? साइड इफेक्ट तो बहुत प्यारे लग रहे। और ये जो है मतलब कोई अलग से इनकी वो भी नहीं कि स्पेशल ट्रीटमेंट रखना इनका होने के बाद। अच्छा, बिल्कुल नेचुरल हो जाएंगे, बढ़ेंगे भी। ये तो बहुत प्यारे लग रहे, देखो बहुत, चाहे छोटे करा लो बड़े करा लो, मतलब अच्छा बढ़ेंगे भी, ऊपर बढ़ते भी ऊपर भी। हाँ जी, चाहे आप उस तरह घुमा लो, गंजा हो जाओ, चाहे आप फिर आ जाएंगे दोबारा। भाई भाई, तो बहुत प्यारे लगे मुझे तो। तो भाइयों दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और अगर आपको भी अपने बालों का वो कराना हो, बाल उड़ गए हो, तो कोई दुकानदार का नंबर याद है किसी का?
मुझसे संपर्क कर लें, अंकल जी से कर लें। अच्छा, आकाश नंबर बता दे अपना। हाँ जी, 9837354004, आकाश सिवाच मेरठ। भाइयों देखो कितनी अच्छी बात है, आकाश ने अपना नंबर दे दिया, रोज कान खाइयो इसके। नमस्कार।